अमेरिका के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर को चुनने के लिए लगातार 15 बार वोटिंग हुई, जिसके बाद केविन मैकार्थी को स्पीकर चुन लिया गया। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लगातार इतने दिनों तक स्पीकर को चुनने के लिए वोटिंग की गई हो। ऐसे बीच सदन के एक सदस्य मैट गेजवेट ने स्पीकर के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम आगे बढ़ा दिया। वो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रंप को वोट किया। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी को स्पीकर चुनने के लिए 4 दिन तक 15 राउंड की वोटिंग हुई और इसमें उन्हें 428 में से 216 वोट मिले।